स्टूडेंट गुड मॉर्निंग क्लास फोर SST में आज हम लोग 7 लेसन पढ़ेंगे। इसमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, तो आज इसी को हम लोग देखेंगे। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, अभी फिलहाल आप लोगों के गांव में चल रहा है जो खेती बाड़ी का काम है। धान की रोपनी आप लोग इस पिक्चर किताब में भी देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर मीन्स होता है भूमि की जुताई करना, पौधा लगाना, उपज करना। इट आल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टोक रेयरिंग एंड फिशिंग। तो इसके अंदर जो है, इस कल्टीवेशन के अंदर आपको खेती हो गया, लाइफ स्टोक हो गया, मछली पालना, मवेशियों को पालना, तो हर तरह के जो है आपको कल्टीवेशन है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड रॉ मटेरियल फॉर आवर इंडस्ट्री। देखिए, एग्रीकल्चर से लोगों को भोजन, हमारे देश के लोगों को भोजन मिलता है, और जितने भी उद्योग धंधे हैं हमारे, उन सभी को कच्चा मटेरियल, कच्चे पदार्थ भी उपलब्ध होता है। मोर देन 2/3 ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री आर फार्मर्स। हमारे देश में अधिकांशतः, कम से कम 2/3 ऑफ पीपुल हमारे देश के लोग किसान हैं। दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश का मुख्य धंधा है कृषि करना, मुख्य धंधा, मुख्य पेशा कृषि है। अधिकांश लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत के फसलों के प्रकार। इंडिया हैज ए फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉयल एंड गुड इरीगेशन फैसिलिटी टू ग्रो मैनी क्रॉप। भारत एक फेवरेबल क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छी यहाँ की जलवायु, उपजाऊ भूमि एंड अच्छी फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधा, जो बहुत से फसल उगाए जाते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन हीयर आर ऑफ टू टाइप। वे फसल जो दो प्रकार के उपजाए जाते हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, हीयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर ग्राउन टू ईट आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। वो फसल जो खाने के लिए उपजाए जाते हैं उसे फूड क्रॉप्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल आर पैडी, माइलेट, वेट एंड पल्सेस। नोट दैट पैडी एंड वेट आर द मेन फूड क्रॉप्स। हम लोग जानते हैं कि खाने के भोजन को उपजाया जाता फसल को फूड क्रॉप्स कहते हैं। उसमें आपको पैडी आ गया, माइलेट हो गया, वेट हो गया, पल्सेज हो गया, मगर ऐसा इसमें मुख्य चीज हैं जैसे कि पैडी और वेट, धान और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल उपजाई जाती है। धान गेहूं आप देखते हैं अधिक मात्रा में होती है। तो नीचे में आप देखेंगे ये चार्ट दिया हुआ है,
क्रॉप्स है, आइडल क्लाइमेट है, स्टेट वेयर ग्रो है। जैसे फसल, किस फसल के लिए किस तरह की क्लाइमेट की आवश्यकता है वो इसमें है, और वो फसल कौन कौन से राज्य में अधिक उपजाई जाती है ये चार्ट में आप देख सकते हैं। जैसे वन नंबर में राइस है, तो राइस के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, और वो किस किस राज्य में होती है, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सभी स्टेटों में होता है। तो इसी प्रकार इसको आप फॉलो कर लेंगे। अब कैश क्रॉप्स के बारे में चलते हैं, देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। वो फसल होता है जो इंडस्ट्रीज के लिए उपजाया जाता है, जिसको कि मार्केट में बेचा जाता है, उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं। द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर कैन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी। शुगर कैन इज प्रोसेस टू मेक जागरी, जागरी मीन्स गुड़ होता है, आप लोग गुड़ खाते होंगे, एंड शुगर, शुगर कैन से यही बनता है, गुड़ बनता है, चीनी बनता है। जूट यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड कारपेट। जूट का प्रयोग जो है, बैग्स बनते हैं, कारपेट बनता है, और कॉटन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, और कॉटन से कपड़े तैयार किए जाते हैं। टी, कॉफ़ी एंड पॉपुलर ड्रिंक्स आर मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। टी को जानते हैं, टी कॉफ़ी है, ये सब ड्रिंक के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ कैश क्रॉप्स कुछ दिए गए हैं, उसके चार्ट हैं। अब उस कैश क्रॉप्स के लिए किस तरह की क्लाइमेट की आवश्यकता है और किस किस राज्य में पाई जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मैं एक तो मैं बता दे रहा हूँ, शुगर केन, उसके लिए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, और किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में अधिकांशतः खेती शुगर कैन की होती है। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन इन लार्ज फार्म कॉल्ड प्लांटेशन। कैश क्रॉप जो होता है, बहुत ही अधिक जिसकी उपज होती है उसे प्लांटेशन कहा जाता है। अधिक खेतों में लगाया जाता है, अधिक क्षेत्रों में, उसे प्लांटेशन कहते हैं। यूजुअली वन क्रॉप इज ग्रोन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन ए प्लांटेशन। वैसा कैश क्रॉप होता है कि एक ही बार उसमें एक समय में उपजाया जाता है। टी, कॉफ़ी एंड रबर आर प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबर हुआ, ये भारत का प्लांटेशन क्रॉप्स है। इंडिया आल्सो प्रोड्यूसेज ए लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। भारत में बहुत प्रकार के फल और सब्जियां भी उपजाई जाती हैं, और द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन हियर। और भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत प्रकार के फूल, ऑर्नामेंट प्लांट, जैसे कि सजावट के लिए यहाँ भी अच्छे अच्छे फूल, पेड़ पौधे उपजाए जाते हैं। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इन नॉन एज हॉर्टिकल्चर। तो वैसे खेती को, उस प्रकार के खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्रॉप सीजन, टू मेन क्रॉपिंग सीजन आर फॉलोड इन आवर कंट्री एज फॉलोड।
हमारे देश में दो प्रकार के सीजनी हैं, जो कि आपको रबी सीजन और खरीफ सीजन। तो रबी क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे मैं एजवेट एंड पॉल्सेज आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। रबी क्रॉप्स गेहूँ हुआ, दाल हुआ, ये सब जो है जाड़ों के समय में होता है और उन्हें गर्मी के दिनों में हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई हो जाती है। राइस में जूट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। राइस में जूट एंड कॉटन हुआ, ये खरीफ क्रॉप्स है। दे आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। ये गर्मी में उपजाए जाते हैं और जाड़ों में काटे जाते हैं। लाइव स्टॉक रेयरिंग। अब चलते हैं हम लोग एनिमल विच फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। लोग जब जानवरों को पालते हैं अपनी यूज के लिए, उसे लाइव स्टॉक कहा जाता है। इट इंक्लूड्स काउ, बुफेलो, ब्लॉक, सीप, गोट, कैमल, मूल एंड यार्क। दे आर यूजफुल इन मेनी वे। काउ एंड बुफेलो गिव मिल्क, दे आर एक्स्ट्रा यूज एज ए मैन्यूर। गाय को, भैंस को आप जानते हैं, दूध हमें देते हैं, और कुछ उनका जो मैन्यूर है वो खाद्य पदार्थ, खादों में काम करता है, जैसे डंग है। बुफेलो आर यूज फॉर प्लाउइंग फील्ड। और जो भैंस है, बैल हैं, उनका प्रयोग जो है खेतों को जुताई करने के लिए किया जाता है, और ड्राइविंग वाटर फ्रॉम वेल एंड पूल कार्ट। कुआं से पहले पानी भी निकालने का काम उन्हीं लोग करते थे, बैल भी किया करते थे एंड पूल कार्ट, बैल गाड़ी भी खींचा करते थे। आप कहीं कहीं, आप लोग के समय में तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग के समय में बैलगाड़ी मिलता था, उसमें दो बैल उस गाड़ी को खींचा करते थे। वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम सीप एंड कैमल। वूल आप लोग जानते हैं, जो कि वूलन कपड़ा बनता है, गर्मी जाड़े के दिन में हम लोग यूज करते हैं, ये भेड़ और ऊंट से मिलता है। द हाइड्स ऑफ सी एंड कैमल आर यूज फॉर मेकिंग लेदर गुड्स। और सीप हुआ, सीप कैमल के चमड़ों से हुआ लेदर गुड्स बनते हैं, लेदर के सामान जैसे बैग वगैरह ये सब। द मीट ऑफ सीप एंड गोट्स इज ईटन। आप सभी जानते ही हैं, भेड़ के, बकरी के मीट भी लोग खाते हैं। कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डिजर्ट। कैमल जो है डिजर्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। मूल्स एंड यॉक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल इन हिली रीजन। मूल्स जो होते हैं खच्चर, यॉक्स होते हैं जंगली बैल होते हैं, जिसका प्रयोग ट्रांसपोर्ट गुड्स यानी सामान को ले जाने और ले आने का काम पहाड़ी क्षेत्रों में के लोग, वैसे प्रदेशों के लोग किया करते हैं। इंस्टीटेटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स। आवर टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। तो हमारा पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, जो कृषि संबंधित उत्पादन है, वो बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये बढ़ने का कारण ये है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, मोर एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन। तो अब जो है हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, अगला पेज अगले दिन होगा, तब तक के लिए थैंक यू।